निकी तंबोली, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक, तीनों की ऐसी धमाल चौकड़ी मची दोस्तों बिग बॉस के घर में कि घर से आने के बाद भी इनकी धमाल, इनकी मस्ती अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं मैं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों निक्की तंबोली, यानी कि हमारी प्यारी सी क्यूट सी नटखट लड़की निक्की तंबोली को रुबीना दिलैक ने बोल दिया किक ऐस। और क्यों बोला है, किसलिए बोला है, तो सुनिए ये बात ध्यान से। निक्की तंबोली ने रिसेंटली अपनी एक फोटो डाली थी और उस फोटो में उन्होंने नीचे कैप्शन डाला था, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, रिस्पेक्टफुली यू कैन नेवर बी मी एंड आई वुड नेवर वॉन्ट टू बी यू। मतलब कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, मैं ना तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ ना तुम ना मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे कभी बनूं। ऐसे में दोस्तों नीचे अभिनव शुक्ला लिखते हैं ओके निक्की। इस पर निक्की तंबोली हंसते हुए जवाब देती है चुप, और वो हंसते हुए स्माइली दबाती है। लेकिन रुबीना दिलैक दोस्तों वो अपनी छोटी बहन को बेहद प्यार करती है, यानी कि निक्की तंबोली को, और वो लिखती है किक ऐस। जी हाँ, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये अभिनव शुक्ला ने किया है, ये निक्की ने करा चुप, फिर उसके बाद रुबीना दिलैक कहती है किक ऐस। ये बात तो हम सबको पता है दोस्तों कि निक्की तंबोली जितना रिस्पेक्ट रुबीना को करती है, अभिनव को उतना रिस्पेक्ट नहीं करती। वो इनफैक्ट घर के अंदर भी बोलती थी कि मेरे को अभिनव से कोई मतलब नहीं है, मेरे को रुबीना अच्छी लगती है और मैं रुबीना के साथ कनेक्ट करती हूँ, फील करती हूँ। तो ऐसे में दोस्तों घर के बाहर आने के बाद भी तीनों की मस्ती, तीनों की धमाचौकड़ी इस तरीके से मची हुई है कि बाहर सोशल मीडिया पे भी वो घर के अंदर की के रिश्ते को एक तरीके से जी रहे हैं। वाओ यार, दिस इज अमेजिंग। निक्की तंबोली ने तो दोस्तों कर दी है एक बड़ी बात। ऐसे में अब रुबीना दिलैक के रिएक्शन पर आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बिंदास बताओ। और बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूज, मुझे इजाजत दो ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं।